नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। इनेलो बसपा द्वारा घोषित हरियाणा बंद, आज SYL सहित बढ़ी हुई डीजल व पेट्रोल की कीमतों के विरोध में इनेलो ने किया बंद का ऐलान। जिला अध्यक्ष पदम जैन के नेतृत्व में इनेलो कार्यकर्ताओं ने निकाला रोस मार्च। इनेलो शहर को 14 जोनों में बांट करके कर रहे हैं बंद को सफल बनाने की अपील। वहीं बंद को देखते हुए पुलिस ने किए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। मुख्य चौक चौराहों पर की है पुलिस को तैनात। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। SYL की मांग को लेकर के वह डीजल व पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों और उनकी कीमतों के विरोध में आज इनेलो व बसपा द्वारा घोषित हरियाणा बंद के चलते आज सिरसा में लगभग सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। इनेलो ने इस बंद को सफल बनाने के लिए सिरसा के शहर को 14 जोन में बांटा है और शहर जो हर जोन में 14 अलग अलग कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। पूरे शहर में इनेलो जिला अध्यक्ष पदम जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ता लगातार दुकानों को बंद करवाने की अपील करते नजर आए। इस मौके पर सिरसा के विधायक मखनलाल सिंगला भी मौजूद रहे। वहीं कालावाली में सिरसा के सांसद चरणजीत सिंह रोड़ी ने भी मोर्चा संभाल रखा है। जिला अध्यक्ष पदम जैन के नेतृत्व में इनेलो कार्यकर्ताओं द्वारा बाजार में दुकानों को बंद करने में सहयोग करने की अपील करते हुए निकले तो दुकानदारों ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया। वहीं अपनी अपनी दुकानों को बंद करके ही रखा। इस मौके पर पदम जैन ने बताया कि लगातार पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दाम और लगातार उनमें बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा गरीब तबके के लोगों को ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है। वहीं टैक्स लगा करके व्यापारियों को भी परेशानी में डाला जा रहा है। पदम जैन ने बताया कि इनेलो लगातार SYL के पानी को हरियाणा के हक में फैसला आने के बाद भी सरकार पानी नहीं ला रही है और इनेलो की ओर से कई बार इसकी मांग कर प्रदर्शन किया गया है, लेकिन सरकार इस ओर कोई कदम नहीं उठा रही है। इन तमाम मांगों को लेकर के आज इनेलो और बसपा ने मिलकर के हरियाणा में बंद का ऐलान किया था, जिससे सभी वर्ग के लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में आज पूरे हरियाणा में बंद का आह्वान किया है। SYL का मुद्दा जो हमारी जीवन मृत्यु की रेखा है, आज हमारे को सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है और पंजाब सरकार आज हमारे हक का पानी नहीं दे रही। आज हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद हमारे माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब जो है अभी तक प्रधानमंत्री जी से मिलके अभी तक हमारे हक के पानी की बात नहीं की, लेकिन ये गूंगी बैरी सरकार अभी तक सो रही है, उसको जगाने के लिए आज ये बंद का आह्वान किया। इसके साथ साथ जो GST लगाई गई उससे सारे के सारे व्यापार आज चौपट हो गए। यही नहीं, ये सरकार ये कह रही थी भी हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने की बजाय आज महंगाई बढ़ी है। जो पेट्रोल 50 रुपये होना चाहिए था आज उस पेट्रोल की कीमत, जो डीजल 40-42 रुपये होना चाहिए था आज वो डीजल की कीमत 73 रुपये 37 पैसे है और पेट्रोल की कीमत 82 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है। ये आज तक का 1947 से लेके अब तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ महंगाई जो है बढ़ी है। इस वर्ष भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर 25 तारीख को गोहाना के अंदर हम लोग एक बड़ी रैली करने का काम करेंगे और उस रैली के अंदर अगर इस सरकार की आंखें नहीं खुली, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की आंखें नहीं खुली, तो हम उसके अंदर एक बड़ी घोषणा भी करने का काम करेंगे ताकि इस गूंगी बैरी सरकार की कान खुल सके, आंखें खुल सके। ये आज इसलिए बंद करने का काम किया है।